नमस्कार, किचन विद कावेरी में आप सभी का स्वागत है। गणेश जी आ रहे हैं और सभी के घर में प्रसाद की तैयारी शुरू हो गई है। सभी लोग मोदक बनाते हैं। आज ऐसे ही हम कुछ अलग मोदक लेके आए हैं बनाने के लिए। 3/4 पहली हमने चावल का आटा ले लिया है, आधा पहली मिल्क पाउडर, साथ में आधा पहली ये है डेसिकेटेड कोकोनट। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, आप चाहे तो इसके अंदर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मिश्री यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैंने लिया है पिस्ता और हमने इलायची का पाउडर बना के रखा है, तो इलायची का पाउडर, थोड़ा नटमट का पाउडर हम लेंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो उकड़ लेके मोदक करते हैं वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह का मोदक ज़रूर ट्राई कीजिए। वो मोदक हमारे यहाँ हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने लगभग 1 चम्मच घी डाल दिया है। चावल का जो आटा है हम थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लेंगे इसी के अंदर। ये देखिए, चावल का आटा और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसे अभी मैं निकाल लूँगी। आटा हमने निकाल लिया है, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने आधा वाटी यानी आधा प्याली हमने पानी ले लिया है, वो मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। जो खड़ी शक्कर ली है वो भी इसके अंदर डालूंगी और मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी। आप चाहे तो खड़ी शक्कर का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चाशनी हमारी बन रही है। चाशनी हमारी बन रही है तब तक इसके अंदर मैं नटमट डाल रही हूँ। नटमट का पाउडर थोड़ा पीस के इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। अभी चलते हैं हमारे चाशनी की ओर। चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसके अंदर डालूंगी मैं अभी आटा। ये मैं सारा स्लो गैस पे कर रही हूँ। इसके साथ डालूंगी 1 चम्मच घी। आटा मैंने डाल दिया है, घी डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमें बहुत फटाफट डालनी है अभी। और कोकोनट पाउडर, इसके लिए हमने आटा जो था पहले हमने थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लिया था। यही कारण है कि हम जब चाशनी में डालेंगे तो ये बहुत फटाफट हमें करना होता है। ये इस तरह का हो जाए तो थोड़ा सा पानी या दूध डाल के आप थोड़ा सा इसको नरम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच दूध, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, आप ठंडा दूध मत इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से इसका गोला बन जाएगा। लवली, बहुत बढ़िया। अगर आप मिल्क पाउडर के बजाय अगर आप मावा यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा साइड में एक छोटा सा गोली लेके हम इसको ठंडा होने तक देखेंगे कि अच्छे से ये कड़क होता है या नहीं होता है। कड़क बोले तो ये नरम ही हमको चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने घी और मिल्क पाउडर यूज किया है। इस तरह का बना के थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, ये नहीं तो नीचे लग जाएगा और जल जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया है, इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सारी चीज़ें मिक्स कर रहे थे तभी मैंने इसको चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हमारा जो मिक्सर है मोदक का वो मैंने साइड में निकाल लिया है। इसके अंदर मैं करूँगी सारे पिस्ता मिक्स। थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, आधा चम्मच, छोटा 1 चम्मच मैंने जलेबी का कलर ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी और इसका बनाएंगे हम अच्छे से गोला। हमने आटे में कलर मिला के उसकी गोलियां तैयार कर ली है छोटी छोटी। और अभी हमारा ये जो मिश्रण है मोदक का, ये जो मिक्सर है मोदक का, ये ठंडा हो चुका है थोड़ा, तो इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने मोदक का ऐसा साचा मिलता है तो आप मार्केट में से लेके आ सकते हैं। घी से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे सारे मोदक जल्दी से निकल जाए। और इसके अंदर भरेंगे ये हमने बनाया हुआ मिश्रण। अगर आपको टाइम नहीं है, बहुत
काम है या आपके पास समय कम है तो इस तरह के मोदक आप बना सकते हैं, ताकि उकड़ी के जो मोदक होते हैं, उकड़ से लिए गए जो मोदक होते हैं, उसका ही मजा इस मोदक में आने वाला है। ये हमने भर लिया यहाँ पे, इसके अंदर मैं ये स्टफिंग डाल रही हूँ कलर वाली। बंद करके मैं इसके अंदर वापस से मेरा मिश्रण भर दूंगी और इसे अच्छे से हमें प्रेस करना है, ताकि हमारा जो मोदक है कहीं पे भी अगर खाली रहेगा तो मोदक का शेप अच्छा नहीं आएगा। चलो अभी इसे ओपन करते हैं और देखते हैं मोदक कैसे बना है। सुपर, ये देखिए, वाव। इसी तरह से सारे मोदक हम बनाएंगे। देखिए सारे मोदक हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत बढ़िया लग रहे ना। मोदक हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। उसकी जो कली है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। ये चावल के मोदक बहुत ही कम समय में हमने बनाए हैं, चावल के आटे से। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हमें ज़रूर ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइए। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि इसके अंदर कोई और एक चीज़ होनी चाहिए थी तो ये भी हमें ज़रूर आप लिखिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद किचन विद कावेरी में हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।